एवरीवन, मेटामॉर्फोसिस में आप सबका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं राज व्यवस्था। पॉलिटी के बेसिक्स में सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज करता है कि संविधान है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। हमने देखा होगा बहुत सी चर्चाओं में लोग संविधान को आलोचना करते हैं, संविधान की आलोचना करते हैं और ये बोलते हैं कि संविधान हमारा ये है या संविधान में कुछ ऐसा प्रोविजन है जो हमारे फेवर में नहीं है। लेकिन संविधान बिल्कुल इसका अपोजिट है। संविधान की यही खूबसूरती है कि ये जनता को पूरी फ्रीडम प्रोवाइड करता है। तो संविधान का मतलब क्या है यहाँ। संविधान किसी भी देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाई गई नियमावली है। किसी भी देश का शासन अगर सुचारू रूप से चलाना है तो उस देश में संविधान होना चाहिए या होना आवश्यक है। तो यहां पे संविधान की डेफिनेशन हमें मिल गई, किसी भी देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाई गई नियमावली। किसी भी देश में शासक कौन होगा, शासन कैसे चलाया जाएगा, इसका निर्धारण संविधान के अनुसार किया जाता है। किसी भी देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाई गई नियमावली ही संविधान है। अब संविधान की बात आती है तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे एक अराइज करता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, यानी कि पूर्ण रूप से बनाया कब गया। तो संविधान को अंगीकृत किया गया ₹26 नवंबर 1949 को। दूसरा क्वेश्चन यहां से यह अराइज करता है कि संविधान पूर्ण रूप से बनकर लागू कब हुआ। तो संविधान पूर्ण रूप से बनकर लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 में। दो क्वेश्चन यहां से होते हैं, अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949, पूर्ण रूप से बनकर लागू कब हुआ या पूर्ण रूप से लागू कब किया गया 26 जनवरी 1950। जब संविधान हमारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उस वक्त कुछ ही आर्टिकल या कुछ ही अनुच्छेद लागू किए गए थे और पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू नहीं किया गया। अब ऐसा क्यों किया गया होगा, केवल कुछ ही अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू क्यों किए गए जबकि हमारा संविधान बन चुका था पूरा। ऐसा इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1950 की जो तिथि है वो बहुत ज्यादा महत्व रखती है। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1930 में, उसमें यह बोला गया था कि 26 जनवरी को हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, इसीलिए जब 1949 में हमारा संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया उसके बाद भी उसको लागू नहीं किया गया, क्योंकि 26 जनवरी की जो तिथि है उसकी महत्व कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए बाकी संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इतना टॉपिक हमने कवर कर लिया, ये है एकदम बेसिक संविधान क्या है। किसी भी देश के शासन को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो एक नियम बनाने पड़ते हैं या नियमावली बनानी पड़ती है जिसको हम कहते हैं संविधान। संविधान अंगीकृत कब किया गया, 26
नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950। सेकंड पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे अनुच्छेद जो कि हमारे संविधान के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद आर्टिकल और कानून लॉ में डिफरेंस क्या है। हमारे संविधान में अनुच्छेद के तहत नियम दर्शाए गए हैं लेकिन कानून हमारे संविधान के तहत बनाया जाता है। तो पहला पॉइंट हम इसमें ऐड करेंगे अनुच्छेद में, अनुच्छेद संविधान के नियम को दर्शाता है। संविधान के अंतर्गत बनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं, संविधान के नियमों पर कानून बनाए जा सकते हैं, कानून बनाए जा सकते हैं लेकिन कानून के द्वारा संविधान नहीं बनाया जा सकता, संविधान नहीं बनाया जा सकता। आर्टिकल और लॉ को डिफरेंशिएट करते हैं। पहला है अनुच्छेद संविधान के नियमों को दर्शाता है, यानी कि संविधान जो हमारा बनाया गया उसमें जो अनुच्छेद थे उसी में नियम लिखे गए और उन नियमों का उल्लंघन करने पर कानून बनाया जाता है। तो संविधान के नियमों को हमारा अनुच्छेद दर्शाता है, कानून संविधान के अंतर्गत बनाए जाते हैं, यानी कि संविधान में जो नियम दिए गए हैं अनुच्छेद के तहत उसी के आधार पर कानून बनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट अनुच्छेद में, संविधान के नियमों पर कानून बनाए जा सकते हैं लेकिन कानून के द्वारा संविधान नहीं बनाया जा सकता। संविधान के द्वारा हम कानून बना सकते हैं लेकिन कानून के द्वारा हम संविधान नहीं बनाते। तो यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस है अनुच्छेद और कानून में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक, छब्बीस जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम सभी। तो यहां पे गणतंत्र की एक्चुअल मीनिंग क्या है ये मुश्किल से किसी को पता होती है। तो गणतंत्र का मतलब यहां पे है जो देश का सर्वोच्च नेता होता है वह चुना होता है। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड और पढ़ेंगे। पहला है गणतंत्र और दूसरा यहां पे होता है
यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा किसी भी देश का सर्वोच्च नेता चुना जाता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज करता है कि व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार है क्या? सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो चुका है वह बगैर किसी जाति धर्म लिंग के भेदभाव के अपने देश का सर्वोच्च नेता चुन सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे 18 वर्ष पूरे हो चुके हैं वह धर्म जाति और लिंग के भेदभाव के बिना अपने देश का सर्वोच्च नेता चुन सकता है। तो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार यहां पे समझा दिया मैंने। अब हम देखेंगे राजतंत्र क्या है। तो यहां पे मैंने लिखा कि देश का सर्वोच्च नेता चुना हुआ होता है और वह जो चुनाव करता है वह किसी भी भेदभाव के बगैर किया जाता है। यहां पे हम देखेंगे राजतंत्र में कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, इसी को कहते हैं राजतंत्र। जिस देश में राजा का बेटा ही आगे चल के राजा बनेगा उसको कहते हैं राजतंत्र या ऑटोक्रेसी। यहां पे धर्म लिंग जाति मायने नहीं रखती बल्कि वंशावली के आधार पर सर्वोच्च नेता चुन लिया जाता है। ये दो पॉइंट्स हमने गणतंत्र और राजतंत्र में पढ़ लिया और यही मेन डिफरेंस है। गणतंत्र में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के द्वारा सर्वोच्च नेता चुनने का अधिकार दिया गया है, जबकि राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनता है, यानी कि वंशावली के आधार पर देश का सर्वोच्च नेता चुन लिया जाता है। अब यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री और नॉट। तो इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, तो यहां पे एग्जांपल के तौर पे हम बोल सकते हैं कि इंडिया मैं रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि गणतांत्रिक शासन व्यवस्था है। राजतंत्र किस देश में होगा यह आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राजतंत्र जो है वो किस देश की व्यवस्था है, यह आप नीचे कमेंट पे बताइए। The next point here is democracy. Democracy, लोकतंत्र। हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? बोल तो मैंने दिया कि हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन लोकतंत्र का एक्चुअल मीनिंग है क्या? तो आइए जानते हैं। लोकतंत्र वो
जनता द्वारा और जनता का शासन होता है। हमारे भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे लोकतंत्र की क्या है? एक्चुअल मीनिंग लोकतंत्र की है जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का शासन। गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज करता है और एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि जो वर्ड्स है गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, ये वर्ड्स किसके हैं? तो ये वर्ड्स हमारे अब्राहम लिंकन जी के हैं। अब्राहम लिंकन के द्वारा ये शब्द बोले गए और लोकतंत्र का वास्तविक मतलब भी यही है, यानी कि जो जनता है वो शासक चुनेगी हमारे देश का और वो शासक आगे चल के शासन व्यवस्था संभालेगा। अब लोकतंत्र की बात आती है तो दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है। There are two types of democracy. पहली है डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरी है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। What is the basic difference between direct democracy and indirect democracy? तो किसी भी देश में अगर नियम बनाए जा रहे हैं या कानून बनाए जा रहे हैं तो वो जनता से पूछ के बनाए जा रहे हैं या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से पूछकर बनाए जा रहे हैं। ये दो चीजें ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को दर्शाती। तो पहला पॉइंट इसमें हम ऐड करेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कि किसी भी देश के कानून को बनाने के लिए, किसी भी देश के कानून को बनाने के लिए या शासन को चलाने के लिए जनता से पूछा जा रहा है या जनता से परमिशन ली जा रही है तो उस प्रकार का लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर अगर कोई भी कानून बनाया जा रहा है तो वहां पर जनता की राय ली जाती है कानून के संदर्भ में। दूसरा अगर हम देखें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो किसी भी देश में अगर कानून बगैर जनता की राय के बनाया जाए, बगैर जनता की राय के बनाया जाए तो वहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था होगी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा भारत देश है, जहां पर कोई भी कानून अगर बना दिया जाए तो जनता से राय नहीं ली जाती। जैसे किसान कानून बनाया गया था या किसान अधिनियम बनाया गया, उसमें किसी ने भी जनता से राय नहीं ली। तो इस प्रकार के कानून को जब बनाया गया तो जनता से राय नहीं ली गई
और इसीलिए हमारे भारत देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित है। सेकेंड पॉइंट, हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह बोल सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में किसी हड़ताल या आलोचना की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी हड़ताल या आलोचना की आवश्यकता प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नहीं पड़ती, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हड़ताल व आलोचना की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब यहां पर यह है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जब सरकार जनता से पूछ के कानून बनाएगी तो जाहिर सी बात है कि जनता उस कानून को लेकर हड़ताल या उस कानून की आलोचना नहीं करेगी, क्योंकि वह कानून जनता से पूछकर ही बनाया गया है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जब भी कोई कानून सरकार बनाती है तो वो जनता की राय से नहीं बनाया जाता, और इसीलिए जब वो कानून बनकर हमारे सामने आता है तो हम उस पे हड़ताल या उस कानून की आलोचना करते हैं, जैसे कि भारत देश। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मैंने एक एग्जांपल बता दिया या एक उदाहरण मैंने बता दिया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारी नॉर्वे में मिलती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में मैंने एग्जांपल बता दिया कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारा इंडिया में मौजूद है। बाकी और किस कंट्री में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है और किस कंट्री में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये आप नीचे कमेंट पर बताइएगा। तो ये पॉलिटिकल बेसिक्स में जितना भी मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए उसका अगर शॉर्ट में लेके देखें तो ये है संविधान। संविधान में आता है दो चीजें, शासन यानी कि रूल और शासक यानी कि रूलर। तो द कॉन्स्टिट्यूट्स तो द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स रूल एंड द रूलर। अब यहां पे इसी के आधार पर हम समझेंगे कि अगर किसी देश का शासन जनता निर्धारित कर रही है, अगर किसी देश का शासक जनता निर्धारित कर रही है, तो ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं गणतंत्र, रिपब्लिक। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि अगर किसी देश का शासन राजा निर्धारित करता है या अगर किसी देश का शासक राजा होता है तो ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं राजतंत्र, ऑटोक्रेसी। तो ये बेसिक डिफरेंस था राजतंत्र और गणतंत्र में। पॉलिटी का बेसिक लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और पॉलिटी
सिक्योरिटी के बारे में बेसिक्स हम जानेंगे फर्दर लेक्चर्स में, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। धन्यवाद।